हेलो एंड वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल ऐप टू यूज में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे हम टाटा न्यू में एक नया अकाउंट कैसे बना सकते हैं, तो इसे जानने के लिए वीडियो लास्ट तक देखते रहिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर टाटा न्यू में नई आईडी बनाने के लिए सबसे पहले आपको अपने फ़ोन में टाटा न्यू ऐप को ओपन करना पड़ेगा। यहाँ पर टाटा के न्यू ऐप पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल कर सामने आएगा। उसके बाद आपको नीचे लेट्स स्टार्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालना है, तो यहाँ पे आपको अपना फ़ोन नंबर डालना है, तो यहाँ पे चलिए अपना फ़ोन नंबर डाल देते हैं। फ़ोन नंबर डालने के बाद आपको नीचे यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा गेट OTP का, आपको इस पर क्लिक कर देना है। OTP क्लिक करने के बाद देख सकते हैं यहाँ से एक OTP भेजा जाएगा। यहाँ पर ऑटोमेटिक यहाँ पर वेरीफाई कर लिया गया है। OTP ऑटोमेटिक यहाँ पर वेरीफाई हो जाता है। अगर आपका सिम इसी फ़ोन में लगा हो तो ऑटोमेटिक ये वेरीफाई कर लेगा। तो उसके बाद आपको यहाँ पे आपका नाम डालना है, तो चलिए यहाँ से अपना नाम डाल देते हैं, लास्ट नेम डाल देते हैं, नेम, फुल नेम और लास्ट नेम डालने के बाद यहाँ पे आपको अपना ईमेल आईडी डालना है। तो यहाँ से हम अपना ईमेल आईडी डाल देते हैं। ईमेल आईडी डालने के बाद आपको नीचे यहाँ पर लेट्स गो पे क्लिक करना है। यहाँ से ये लोकेशन एक्सेस मांग रहा है, तो यहाँ पर हम क्लिक करके इसे एक्सेस दे देंगे। उसके बाद एक्सप्लोर पर क्लिक करेंगे। एक्सप्लोर पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ से टाटा न्यू ऐप हमारे फ़ोन में ओपन होके आ चुका है। कुछ इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने खुल के आ चुका है। देख सकते हैं इस तरह कुछ इंटरफेस हमारे सामने खुल के आ चुका है। यहाँ पे जितने भी ऑप्शन है सारे यहाँ पे खुल के आपके सामने आ रहे हैं। यहाँ पे ऊपर जब क्लिक कीजिएगा यहाँ पे कॉर्नर में प्रोफाइल पे, तो देख सकते हैं यहाँ पे हमारा नाम लिख के आ चुका है। तो इस तरह से आप अपने टाटा न्यू ऐप में एक नया आईडी बना सकते हैं।